एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके ही चैनल फैंटासी चैम्पियन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जे लीग का जो 43 मैच खेला जाएगा आज आफ्टरनून में 3:30 PM में उसकी। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उसके पहले, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखें ताकि आने वाले सारे मैचेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम सारे मैचेस कवर करते हैं, NBA से लेकर सारा कुछ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें अभी भी NBA टीम दिया, उसके पहले फुटबॉल का टीम भी दिया था कल वाले सारे मैचेस की। तो परफॉर्मेंस की बात करें हमारे टीम की, तो इसमें कल ये जो मैचेस नाइट में खेले थे इसमें आप टीम में हमारा देख सकते हो, मैक्सिमम प्लेयर ड्रीम टीम के प्लेयर थे जो स्मॉल लीग में 629 पॉइंट दिया था। उसके पहले जो मैच हुआ था जिसका वीडियो भी मैंने कल डाला था उसका भी आप देख सकते हो, ये रहा हमारा टीम। तो ऐसे टीम आपको भी मिल सकता है। उसके पहले वाला जो मैचेस था इसमें भी आप देख सकते हो सारे मैचेस क्लीन स्वीप किए हैं, सारे लीग क्लीन स्वीप किए हैं, ये रहा था हमारा टीम। तो ऐसे विनिंग टीम आपको भी मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। कल से हॉकी भी स्टार्ट हुआ है, हॉकी का भी दो मैचेस था कल, तो दो ही हम कवर किए थे। आप देख सकते हो उसका परफॉर्मेंस, सारे लीग में फर्स्ट, ये टीम था, ये वोमेन का हॉकी टीम। उसके बाद मेंस का बात करें तब देख सकते हो परफॉर्मेंस, तो काम बोलता है, आप देख सकते हो उसकी टीम। तो ऐसे भी विनिंग टीम आपको भी मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके। मेंबर कम है ये मत देखना, टीम का परफॉर्मेंस देखना, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि कौन सा चैनल बेस्ट है। ऐसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस कवर होते हैं जो कोई भी यूट्यूबर्स या फिर कोई भी चैनल कवर नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आज की मैचेस की बात करें, जो जे लीग का 43 मैचेस है FC टोक्यो वर्सेज खाउशिया रसूल के अगेंस्ट उसकी। तो ये मैचेस आफ्टरनून में 3:30 PM में खेला जाएगा एलिनोमोटो स्टेडियम में। तो FC टोक्यो की बात करें अभी फोर्थ पोजीशन में है 47 पॉइंट के साथ। इस टूर्नामेंट में 27 मैचेस खेले हैं जिसमें 14 विन 5 ड्रॉ 8 लॉस किया है। वहीं खासिया रसूल की बात करें नाइन्थ पोजीशन में है 37 पॉइंट के साथ जिसमें 24 मैचेस अभी तक खेले हैं जिसमें 11 विन 4 ड्रॉ और 9 लॉस। लास्ट मैचेस की बात करें खासिया रसूल की, जो गंबा ओसाका के अगेंस्ट खेला था वो मैच 2-1 से लॉस किया था। वही FC टोक्यो की बात करें, FC टोक्यो लास्ट मैच वाकाहामा F मरीनोस के अगेंस्ट खेला था जो 4-0 से वो मैच लॉस किया था। तो ये रहा दोनों टीम का लास्ट मैचेस, अभी तक का सिचुएशन, पॉइंट्स टेबल कौन किस पोजीशन में है, कितने मैचेस खेले हैं और कितना विन किया है, कितना लॉस किया है, कितना ड्रॉ किया है। तो आइयो, वीडियो आप एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ के मेरे साथ आप खुद बात भी कर सकते हो। तो आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अगर एडिट करना होगा तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर एडिट करूँगा। तो FC टोक्यो की की प्लेयर्स की बात करें, सिर्फ 3 की प्लेयर्स आपको दूंगा, डियागो ओलिवेरा, लेंड्रो एंड एडिल्टन। तो ये 3 प्लेयर की रिसेंट परफॉर्मेंस एंड प्लेइंग पोजीशन की बात करें तो डियागो ओलिवेरा इस टूर्नामेंट में 24 मैचेस खेल के 8 गोल किया है, लेंड्रो 21 मैचेस में 8 गोल किया है और एडिल्टन 26 मैचेस में 7 गोल किया है। तो तीनों ही प्लेयर फॉरवर्ड पोजीशन में खेलता है FC टोक्यो के लिए। तो स्मॉल लीग के लिए ये सब प्लेयर आपको बहुत सारा फ़ायदा दे सकता है, तो ये सारे प्लेयर को आपको कवर करके स्मॉल लीग टीम बनाना पड़ेगा। वही खासिया रसूल की बात करें, इसमें 3 प्लेयर माइकल अलुंगा, एट्रो इसाका, हयातो नकामा, ये 3 प्लेयर रहेगा।
माइकल अलोंगा 23 मैचेस में 23 गोल किया है, इसाकाज 23 मैचेस में 8 गोल किया है और हयातो नकामा 24 मैचेस में 4 गोल किया है। तो ये रहा दोनों टीम का प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस और कौन किस पोजीशन में खेलते हैं उसकी डिटेल्स। अभी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें, मतलब लास्ट 5 मैचेस की बात करें, जिसमें एफसी टोक्यो लास्ट 5 मैचेस में 3 लॉस और 2 विन के साथ आ रहा है। वही खसिया रसूल लास्ट 5 मैचेस में 2 लॉस 1 ड्रॉ और 2 विन के साथ आ रहा है। तो एफसी टोक्यो एंड खसिया रसूल की प्रोबेबल प्लेइंग 11 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऐसे भी लाइनअप आने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन प्लेयर खेलता है कौन नहीं। फिर कि अगर आपका ज़रूरत हो प्रोबेबल प्लेइंग 11 तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको एक डेमो टीम दूंगा, इस डेमो टीम के साथ आप लीग ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, तब आप टीम एडिट कर लीजिएगा एंड आसानी से बहुत सारा पैसा बहुत आसानी से विन कर सकते हो। चलिए ड्रीम इलेवन ऐप्स पे चलते हैं। फिलहाल के लिए मैंने एक ही टीम बनाई है, ये स्मॉल लीग 2-3 मेंबर 10 मेंबर 5 विनर के लिए ये टीम काम कर सकता है। आप इस टीम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके इस टीम के साथ लीग ज्वाइन कर सकते हो, बाकी टीम आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक नई मैचेस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे होम। ओके फ्रेंड्स, बाय एंड जय हिंद।